हां जी, शुरू कर दे। हाँ, गुरबचन सिंह भुल्लर इनका जन्म है जेड़ा 1937 दे विच होया भी। 1937 दे अंदर इनका जन्म होया है। कोशकारी भी इन्हें कीती है भाई, वार्तककार भी है, कवि भी है, आलोचक भी है, पत्रकारिता दे खेत्र दे विच भी इन्हें काम किया है, पत्रकार भी है। कोशकारी, वार्तक, अनुवाद, बाल साहित्य, संपादन, पत्रकारिता, रेखा चित्र, कविता, सफरनामा, आलोचना, ये वक् वक् साहित्य रूपा तो संबंधित रहा। और कहानीकार के तौर पर इनकी चंगी जान पछाण है। कहानी संग्रह, इन्हें कहानी संग्रह ने जेड़े ओपरा मर्द, सूहे फुल, कथा भारती, वक्ता मारे, सुबह कितनी खूबसूरत है, मैं गजनवी नहीं, दीवे वांग बलदी अख, मानस की जात, बिखरे टापू, पंजाबी कहानी कोश, इन्हें पंजाबी कहानी कोश भी लिखे है भाई, अग्नि कलश, अग्नि कलश लई इसनों भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलया है। तीन मूर्तियां वाला मंदिर, हुण इहदी जिहड़ी ट्रिक है भाई वो आ है कि जिहड़ा ओपरा मर्द है गजनबी, ओपरे मर्द गजनबी दी अख तीन मूर्तियां वाले मंदिर ते सी, वक्ता मारा भुल्लर की करे। तुसी वेख्या होना भाई, गजनबी जड़ा गजनवी सी बई, वो भी भारत च आया सी और उसने भी लुटपाट की सी बई, ठीक है। तो बस उस तो संबंधित आपां इसनों जोड़ लिया है। और आपां ओपरे मर्द गजनवी दी अख जड़ी सी तीन मूर्तियां वाले मंदिर ते सी, तीन मूर्तियां वाले मंदिर ते सी, वक्ता मारा भुल्लर की करे बई। तो ओपरा मर्द, ओपरे मर्द तो है जी आ ओपरा मर्द कहानी संग्रह, गजनबी, गजनबी तो मैं गजनबी नहीं, आ वाला है जी, अख, अख दे अंदर आ है दीवे वांग बलदी अख, फिर तीन मूर्तियां वाला मंदिर आ रहा जी, तीन मूर्तियां वाला मंदिर, ठीक है जी। अगे वक्ता मारे, और इनका कहानी संग्रह है गया आ रहा, वक्ता मारे, फिर भुल्लर, और भुल्लर इनके नाम तो तुसी याद रखना है। बाकी की है, जैसे सूहे फुल, सुबह कितनी खूबसूरत थी, मानस की जात, बिखरे टापू, ये तुसी ध्यान दे विच रखने हैं भाई। ये इनके कहानी संग्रह सीगे भाई। भुल्लर दियां जेड़ियां मुढ़लियां कहानियां दी रचना वस्तु है जेड़ा मालवे खिते दा पेंडू जीवन है, और बाद चो दिल्ली दे वसेबे नाल महानगरी जीवन दीयां समस्यावां नूं अपनियां कहानियां दे विच उलीकदा है। ते उस दे अगर आपां रचना वस्तु देखिए तां ओह है मालवे खिते तों लै के दिल्ली महानगर तक छाई हुई है भाई। तां आपां अज दो कहानियां मैं तुहानूं सुणावांगा, एक तां महानगर दी और एक पेंडू जीवन दी भाई, ताकि दोनों ही तुहानूं याद रह जाण और तुहानूं पता लग जाए गुरभजन सिंह भुल्लर मार्क्सवादी दृष्टिकोण है भाई, मार्क्सवादी कहानीकार है, जिहड़ी किस धारा का कहानीकार है, किस प्रवृत्ति का है, ते ए मार्क्सवादी धारा का है। और जिनसी संबंधा बारे, एक कहानी जिनसी संबंधा बारे भी है जिहड़ी पेंडू जीवन की है, उही उस दी आपां गल करांगे। संप्रदायिकता ते आधारित कहानियां भी लिखियां इसने, समाजवाद, इनकलाब ते राजनीति। जदों देखो मार्क्सवाद की गल आ गई, मार्क्सवाद दे विच भैया राज रहित, श्रेणी रहित समाज की गल, इनकलाब की गल होवेगी, राजसी चेतना की गल होवेगी, जड़ियां आ गल्ला है, आ गल और आ गल है जड़ी, आ तीनों गल्ला एक दूजे नाल मिलदियां ने। जिथे मार्क्सवाद आ गया उथे इनकलाब होवेगा, राजसी चेतना होवेगी, ते राजनीति की गल भी की जाएगी भाई। ये जड़ियां है इस दे अंदर है, दे कहानी दे इसने
विषय वस्तु बनाए ने। अपनी सहज मार्क्सवादी रचना दृष्टि कारण उसने समाजिक जीवन के जेडे डायलैक्ट्स है, प्रतिद्वंद है, द्वंद है, उन्हों और राजनीतिक भ्रांतियां भली भांत पछाणिया। उसकी विचारधारा पिछोकड़ काम करती है। आ जी विचारधारा है मार्क्सवादी विचारधारा, यह पिछोकड़ काम करती है और सृजनात्मकता राही वह कथा रस पैदा कर देता है। पात्रा की उसारी जड़ा है, पात्र चित्रण है, वह कमाल का है। उसका मुहावरेदार मलवई भाषा की सुचजी वरतों वह करता है। पई जड़िया ये गल्ला मैं तुहानू कहियां सी। अग्नि कलश लई उसनू 2005 दे अंदर भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया। बई अग्नि कलश लई, अग्नि कलश लई भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया है। पई उसनू मिलिया है ते ओ प्रतीकात्मक ते संकेतात्मक शैली का मालिक है। प्रतीकात्मक दी गल उसने की, अग्नि कलश है पई प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक ते संकेतात्मक शैली का मालिक और हैगा है पई। उन्हें कविता भी लिखी है, सफरनामे भी लिखे, अनुवाद भी लिखे है, संपादन भी लिखे है, पत्रकारिता भी उसने की है। उनकी होर रचनावां भी है पई। इस तो अलावा होर रचनावां भी ने, जिवें कबर जिना दी जीवे हू, मौन कहानी, पंजाबी कहानी यात्रा, साडे विज्ञानी, समकाली पंजाबी कहानी, एक अमरीका। ये भी हुण कहानियां दी गल करिए तां कहानी तो संबंधित इहदे तीन संग्रह है बई, पंजाबी कहानी यात्रा, मौन कहानी, समकाली पंजाबी कहानी। आ तिन्नां विच कहानी कहानी आंदा है बई, पंजाबी कहानी, समकाली पंजाबी कहानी, पंजाबी कहानी की यात्रा, मौन कहानी और पंजाबी कहानी कोश भी इसने लिखिया पई। इस तो अलावा साडे विज्ञानी, कबर जिना दे जीवे हू और एक अमरीका। ये भी ये की कहते हैं कि जेड़ा गुरबचन सिंह भुल्लर है उस दियां रचनावां ने। आ रचनावां ते है भी होर भी रचनावां ने जिस बारे हुण मैं जिक्र किया है। एक इहदी कहानी है भाई, तीजी गल इस दी कहानी है भाई। उसने अंदर उन्हें तीन गल्लां कीतियां है भाई। इस नाल थोड़ा जिहा कहानी नाल तुहानूं पता लग जाएगा कि भुल्लर साहब है जिहड़े वह किस तरीके का लिखारी है। तीजी गल, एक जड़ा बंदा है दीनानाथ, इसका जड़ा मुख पात्र है भाई दीनानाथ, वह पिंड चो शहर दे विच जांदा है, पिंड दे विचो शहर दे अंदर जांदा है, महानगर दे अंदर जांदा है। तो उत्थे जड़े लोग ने फ्लैटां दे अंदर रहिंदे, एक फ्लैट, दूजा फ्लैट, तीजा फ्लैट, इस तरीके। फिर वह देखता है भाई मैं पेंडू जीवन के अंदर किन्ना खुल खुलासापन सीगा भाई, आसमान भी साडा, धरती भी साडी, सारा असी आसमान वेखदे सीगे, और इत्थे लोग है जेड़े वो की है कि वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां दे अंदर रह रहे है, बिल्डिंगां दे अंदर रह रहे है, भी भी मंजिल बिल्डिंगां ने, दस दस मंजिल बिल्डिंगां ने। ते वो भी जिथे जांदा है वो एक बिल्डिंग दे अंदर रहिंदे है, तो उत्थे वो महसूस करदा है कि ना तो उन्हों की जमीन हैगी है, ना ही उन्हों का आसमान है। उतली छत और किसी की, थले वाली और किसी की, और वह रह रहे हैं एक सैंडविच वाली तरह। सैंडविच तुम देखा होना है भाई, आ सैंडविच का फोटो ही बढ़ाता मैं, जे इन्हें थोड़ा गोल कर देव तो थोड़ा सैंडविच वाली तरह हो जाएगा। आ लो जी इतने मलाईदार कम, ठीक है जी। उन्होंने ये जापद कि सैंडविच का सिस्टम है, फलेटा च रहना सहना। इन्हां दियां जड़ां जिहड़ियां जमीन नाल जुड़ियां नहीं हुई है, ना ही आसमान वेख सकदे हैगे। होर जे किते इन्हां नूं गलबात भी करनी होवे तां इह लोभी च जांदे है, थोड़ी देर लोभी जाणगे उत्थे फिर वह गलबात करदे है, और गलबात का विशा की रहिंदा है, उत्थे जिहड़ियां भी सवाणियां कठियां हो गईआं, गलबात का विशा और होवेगा जिहड़ी सवाणी उत्थे है नहीं, जिहड़ी उत्थे प्रजेंट नहीं है, उस बारे गल्लां कीतियां जांदियां ने। इह तां उसनूं पहली गल लगदी है।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਸਨੂੰ ਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀਰਾ ਲਾਲ, ਦੂਜਾ ਪਾਤਰ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਹੀਰਾ ਲਾਲ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਂ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਕਹਾਂ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਬਈ ਪੇਂਡੂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਧਰ ਹੋਰ ਜਾਂ ਬਖਾਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਵੜ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਨੂਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਗਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਵੱਡਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੌਕਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਤੀਜਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਅਚੰਭਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ। ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਈ ਆ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਕਣ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਚੁਣੀ ਸੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਨਗਰ, ਮਹਾਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੁਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਫਲੈਟਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 200-200 ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਰ ਪਊਗੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਪਾਂਝ। ਪਾਂਝ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਲੇਖਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਬਈ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਟ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੱਟੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਟਾਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਜੱਟੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਓਏ ਫੜੋ ਓਏ ਫੜੋ ਓਏ ਜੱਟੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਹੈ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਉਸੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ, ਹੋਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬੱਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੜੋ ਓਏ ਫੜੋ ਜੱਟੀ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੀ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੱਜਣ ਦਿੱਤਾ? ਹੋਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
क्योंकि उनका विआह होर किथे हो जाता है, और फिर विआह तो बाद आती और फिर उस छड़न जाता है, तो फिर वो ये गल्ला आउंदियां। तो ये की कहते हैं कि कहानी सी पांच पांच ही है भाई, पांच पै गई, पतंदर वो भी बच गया थे, वो भी बेचारी चली गई। कहानी का नाम पांच है, बहुत ही प्यारी कहानी। ये सीगा